तो साथियों आप सामने देख रहे हैं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, यूपी की एक कंपनी जो कि बिजली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है यूपी के अंदर। ये एक कंपनी है, अगर आपके घर में इसका कनेक्शन लगा हुआ है तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि इस वेबसाइट पे क्या क्या सुविधाएं ऑनलाइन मिलती हैं, क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं और वो कौन सी सुविधाएं हैं, सर्विसेज हैं जो घर बैठे आप ऑनलाइन अवेल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपको घर से बाहर यहाँ के ऑफिस में जो है बिजली विभाग में नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वेबसाइट को, वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। और यहाँ पे आप तीन कैटेगरी देख रहे हैं, तीन कैटेगरी में एक होता है अर्बन कंज्यूमर, एक होता है रूरल कंज्यूमर और एक होता है कंप्लेनेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो दोस्तों इन सारे ऑप्शन के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं ये सारे ऑप्शन हम देखेंगे। हालांकि जो मैं कंज्यूमर हूँ वो रूरल कंज्यूमर हूँ, तो मोस्टली मैं ज़्यादा जानकारी आपको इसके बारे में दे पाऊँगा। यहाँ पे दो तीन चीज़ें ये बता दूँ कि यहाँ पे जो ये ऑप्शन देख रहे हैं ये विदाउट लॉगिन एज ए गेस्ट हम ये सारी सुविधाएं ले सकते हैं, लेकिन अगर ये सुविधा मुझे लेनी है तो इसके लिए मुझे लॉगिन करना होगा। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, लॉगिन और रजिस्टर के बारे में बात करेंगे और इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम जो है देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। अगर आप रूरल कंज्यूमर हैं तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है व्यू इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए एक नई विंडो खुलेगी और यहाँ पे मुझसे अकाउंट नंबर मांगा जाएगा। ये मेरा अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर मैं इस पर डाल दूंगा और उसके बाद मैं कैप्चा डालूंगा। कैप्चा डालने के बाद अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे मेरा बिल जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए ये अकाउंट नंबर है, ड्यू डेट है, डिसकनेक्शन डेट है, सारी डिटेल है, 902 रुपये की पेमेंट है। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है शो करेगी। इसके अलावा यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, व्यू प्रिंट बिल, व्यू प्रिंट रिसिप्ट। अगर आपने पेमेंट कर दी है तो आप यहाँ से रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको बिल देखना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये है आपका जो है बिल आता है। ये बिल आप जो है ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और इसको बिल ले जा करके आप चाहे तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, चाहे तो ऑफिस में जा करके जमा कर सकते हैं। अगर आपको ये बिल फ़ोन पे मंगाना है तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया होता है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आपको यहाँ पे बिल टाइप करना है BILL, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर टाइप करना है अपना और उसको सेंड कर देना है 5616195। जैसे आप इस पर सेंड करेंगे तो ये जो बिल है ये आपको मोबाइल नंबर पे आपका बिल आ जाएगा, जो भी अमाउंट होगा वो आ जाएगा, या जो पेमेंट, अगर पेमेंट नहीं भी होगी तो भी आपका बिल आ जाएगा कि जो है आपका पेमेंट जो है वो ज़ीरो है। लेकिन आप अगर ये SMS सेंड कर देते हैं अपने मोबाइल से तो आपको फ़ोन पे जो है बिल मिल जाएगा। हेल्पलाइन नंबर मैंने यहाँ बता दिया कि 1912 है, अगर आप चाहें तो इस 1912 पे कभी भी कॉल करके अपना जो है अपने प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ से भी पा सकते हैं कस्टमर केयर से आप बात करके। तो इस तरह से आप यहाँ पे बिल जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ बिलिंग में देखिए SMS का ऑप्शन यहाँ पर दिया हो गया है कि आप किस तरह से जो है SMS भेज सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर आप पे करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको जाना है, आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है और उसके बाद जो है आपको कैप्चा डालना है। जैसे आप कैप्चा डालेंगे तो यहाँ पे देखिए पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको पेमेंट यहाँ से कर देना है। आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी आप डालें या ना डालें लेकिन मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डाल के आप पे नाउ करेंगे तो ये जो है पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है STS प्रीपेड रिचार्ज। इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, जो नॉर्मल कंज्यूमर होता है रूरल कंज्यूमर मैक्सिमम इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि अगर आप चाहें तो इसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आता है रजिस्टर। तो दोस्तों अगर आपके पास K नंबर है तो आप मेरी सलाह है कि आप उसको रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि रजिस्टर से क्या होता है आपका अपना अकाउंट पोर्टल बन जाता है जहाँ पे आप कभी भी लॉगिन करके अपनी सारी सुविधाएं सर्विसेज ले सकते हैं। घर बैठे बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। तो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पे रजिस्टर पे जा करके आपको डालना है ये डिटेल, अकाउंट नंबर, सर्विस कनेक्शन नंबर, ये आप छोड़ सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं होती। आप अकाउंट नंबर डाल दीजिए, एक पासवर्ड डाल दीजिए, फिर दोबारा से उस पासवर्ड का टाइप कर दीजिए। यहाँ पे आपको नाम डालना है जिसके नाम से आपका कनेक्शन लगा हुआ है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक कोई क्वेश्चन चूज़ कर लीजिए, उसका आंसर यहाँ टाइप कर दीजिए ताकि अगर आप पासवर्ड भूल जाएँ तो आपको ये काम आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको भर के रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है इसलिए अभी दोबारा रजिस्टर नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको ये फॉर्म भर के रजिस्टर कर देना है, तुरंत रजिस्टर हो जाता है। रजिस्टर करने के बाद आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए क्या होता है कि आपसे आपका K नंबर मांगेगा।
तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डाल देना है, उसके बाद वो पासवर्ड डालना है जो रजिस्टर करते समय आपने पासवर्ड एक बनाया था, उस पासवर्ड को डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा डालना है। और इसको लॉगिन कर देना है। तो देखिए ये आपका पोर्टल जो है लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी तो जब आप पोर्टल को लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से पोर्टल दिखाई देगा, जहाँ पे आपको आपके अकाउंट की पूरी डिटेल दिखाई देगी। साथ ही साथ ही आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अकाउंट का और अपडेट प्रोफाइल का। अपडेट प्रोफाइल में आप जब जाते हैं तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर कभी भी चेंज कर सकते हैं, अपना ईमेल आईडी कभी भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक सेल्फ बिल जनरेशन का भी ऑप्शन मिलता है। ये क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप जो है आपके जो बिल है वो उसमें जो है काफ़ी टाइम लगता है, बिल विभाग से जो है लोग नहीं आ पाते हैं बिल जनरेट करने के लिए, तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। इसका प्रोसेस यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसको पूरा पढ़ के समझ लीजिए कि अगर आप चाहें तो सेल्फ बिल जनरेट कर सकते हैं। आप अपने आप से अपने मीटर का जो बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है, वो खुद भी जनरेट कर सकते हैं। उसका प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है, आप इसको पढ़ सकते हैं।